तो गाइस YouTube पे चल रही है इस टाइम बहुत तगड़े वाली कंट्रोवर्सी, संदीप महेश्वरी वर्सेस प्रखर के प्रवचन एंड श्वेताब पे। अब इस कंट्रोवर्सी में काफी बड़े बड़े क्रिएटर्स भी कूद चुके हैं। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली है, बहुत सारी यहाँ पर मैंने स्टोरी वगैरह जान ली है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट में पूरी कॉन्ट्रोवर्सी समझा पाऊं। तो ये कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट कहां से होती है, संदीप महेश्वरी ने एक वीडियो डाली थी, याली वीडियो, आप इसको देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर श्वेताब ने इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट कर दिया, संदीप महेश्वरी की वीडियो के ऊपर रिएक्ट करा और यहां पर उनके फेवर में काफी चीजें बोली, बट एक दो पॉइंट्स ऐसे थे कि जो संदीप महेश्वरी के अगेंस्ट बोल दिए। अब संदीप महेश्वरी को यह बात बुरी लगी तो उन्होंने ट्वीट वगैरह करा श्वेताब के खिलाफ, तो उन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई थी, बट इन्होंने आपस में ही सॉर्ट आउट कर ली थी, बातचीत करके सॉर्ट आउट कर ली थी। तो यहां पर कॉन्ट्रोवर्सी थमने वाली थी, बट यहां पर इस कॉन्ट्रोवर्सी में कूद पड़ते हैं प्रखर के प्रवचन। अब प्रखर के प्रवचन को तो आप जानते होंगे, ठीक है, तो यहां पर इस कॉन्ट्रोवर्सी में प्रखर के प्रवचन कूद पड़े। बट यहां पर प्रखर के प्रवचन ने जैसी श्वेताब की वीडियो पर रिएक्ट करा कि मतलब प्रखर के प्रवचन का यह कहना था कि उन्होंने संदीप महेश्वरी के अगेंस्ट एक दो बातें बोली हैं तो वो गलत है, मतलब प्रखर के प्रवचन संदीप महेश्वरी के साथ थे, बट इत्तेफाक से पता नहीं ऐसा क्यों होता है, उसके बीच में फिर यहां पर कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है श्वेताब में और प्रखर के प्रवचन में। तो यहां पर एक कॉन्ट्रोवर्सी घूमे जा रही थी। अब यहां पर संदीप महेश्वरी दोबारा कूद पड़े और उनकी इत्तेफाक से प्रखर के प्रवचन से ही कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है। तो संदीप महेश्वरी बोलता है कि तू वीडियो डिलीट कर दे, मैं भी अपनी वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो उसके बाद क्या होता है, प्रखर के प्रवचन एक पूरी डेडिकेट वीडियो अपलोड करते हैं और यहां पर संदीप महेश्वरी के खिलाफ एक केस फाइल भी कर देते हैं। तो उसके बीच में जो कंट्रोवर्सी थी ये अब बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, और ये कंट्रोवर्सी हो गई थी संदीप महेश्वरी वर्सेस प्रखर के प्रवचन के यहां पर अगेंस्ट, इन दोनों के खिलाफ कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो अब इसके बाद क्या होता है, यहां पर प्रखर के प्रवचन ने एक वीडियो डाली थी कि वो बाहर इंडियन फ्लैग पे मतलब पूरा टूर वगैरह कर रहे हैं और उनके हाथ में बियर की बॉटल है। तो संदीप महेश्वरी ने बोला कि तुम जो हमारे इंडियन फ्लैग की मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उनकी बेइज्जती कर रहे हो, तो ये वीडियो डिलीट करो, डिलीट करो। तो उसके बाद यहां पर इन दोनों की कंट्रोवर्सी बढ़े जा रही थी, बढ़े जा रही, बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कंट्रोवर्सी YouTube के बाहर भी चली गई और एक कोर्ट वगैरह तक भी चली गई, मतलब करोड़ों के यहां पर केस चल रहे हैं। तो यहां पर भाई वो कंट्रोवर्सी थोड़ी टाइम तक के लिए शांत थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट इत्तेफाक से दोबारा उठती है और इस कंट्रोवर्सी में दोबारा उनकी हो जाती है प्रखर के प्रवचन और श्वेताब की, दोनों ही कंट्रोवर्सी दोबारा अगेंस्ट हो जाती है। तो इसके ऊपर अब क्या हुआ, श्वेताब जो इस टाइम जो उनकी क्रिटिकल जो कंडीशन है वो थोड़ी खराब है, उनकी मदर का शायद इलाज वगैरह भी चल रहा है और उनके फादर भी नहीं है, करोड़ का केस फाइल किया है और आज की डेट में ये इमोशनली और फाइनेंशियली इस कंडीशन में नहीं है कि उस केस को अकेले लड़ सके। और आपके फादर? मेरे पिताजी नहीं है। अच्छा, आपके पिताजी नहीं। प्रखर के प्रवचन ने श्वेताब पे केस करा, ठीक है। अब इसमें संदीप महेश्वरी आ गए और संदीप महेश्वरी ने सोचा कि मैं श्वेताब का साथ दूंगा, क्योंकि संदीप महेश्वरी और श्वेताब की कंट्रोवर्सी शांत हो गई थी, सॉर्ट आउट हो गई थी। तो संदीप महेश्वरी ने कहा कि मैं अब श्वेताब का साथ दूंगा और श्वेताब को अपने चैनल पर बुलाया, एक ब्रॉडकास्ट करवाया, जैसे कि आप इसको ब्रॉडकास्ट को देख भी सकते हो। और संदीप महेश्वरी ने यह बात बोल दी कि अगर वो बंदा केस करता भी है और इनडायरेक्टली या फिर 1% भी अगर आप केस हार जाते हो तो आपके 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा। जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है ना, सॉल्यूशन निकलेगा। अगर वो समझ आ जाए उसको तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं समझ आता है और लीगल बैटल करने का शौक है तो उसके लिए भी मैं तो तैयार हूं। और वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ लो कि अगर आप ये केस हार भी जाते हो तो मैं कमिट करता हूं कि आपको 2 करोड़ रुपए नहीं देना है, वो 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा। अब इस चीज के ऊपर संदीप महेश्वरी ने एक ट्वीट करा जो कि बहुत सही लगा मुझे, कि मेरी अच्छाई को मेरी कमजोरी मत समझो, अगर बात 2 करोड़ रुपए की है तो मैं 1 महीने के लिए अपना चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कर दूंगा और 2 करोड़ रुपए ले लेना। संदीप महेश्वरी करोड़ रुपए कमा सकते अपने यूट्यूब से, बट वो कमाते नहीं है। अगर वो 1 महीने के लिए भी अपना चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कर देते हैं तो आप सोच नहीं सकते वो करोड़ों उनके पास रुपए आ जाएंगे, तो वो दे देंगे भाई प्रखर के प्रवचन को अगर वो केस हार जाते हैं। तो यहां पर भाई इस चीज कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर लक्ष्य चौधरी भी कूद पड़े और वो ये ट्वीट करते हैं संदीप महेश्वरी के खिलाफ, मतलब उन्हें गुस्सा आ रहा था संदीप महेश्वरी के ऊपर कि संदीप महेश्वरी सीधा था, सीधा ही रहेगा, मैं सीधा ही बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे संदीप महेश्वरी पर्सनली बहुत सही लगता है। संदीप महेश्वरी सीधा था, सीधा ही रहेगा, इस कंट्रोवर्सी की सारी जो मतलब कि आप ये ट्वीट वगैरह पढ़ सकते हो कि मतलब संदीप महेश्वरी का कहना है संदीप महेश्वरी एक बहुत डबल गेमिंग खेल रहे हैं, बट ऐसा मुझे लगता नहीं है। संदीप महेश्वरी भाई वो अलग ही बंदा है भाई, ठीक है, आप है कहना इस पे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन अगर समझ में आई होगी, आपका आपको कौन सा लग रहा है, संदीप महेश्वरी प्रखर के प्रवचन या फिर श्वेताब, है ना। और भाई बाकी के वो तो बेफालतू कूद रहे हैं कंट्रोवर्सी में, ठीक है। तो आप है कहना इस पे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझको जरूर बताना, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, बाय।